सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। दो दिग्गज की लड़ाई ने अब एक और नया मोड ले लिया है जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की मुश्किलें साफ बढ़ती दिखाई दे रही है। संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है जिसके बाद अब उनकी मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद ने संदीप माहेश्वरी और फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच हुए विवाद वाले मामले में सुनवाई करते हुए विवेक बिंद्रा के पक्ष को सुनकर संदीप माहेश्वरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मानहानि का मामला बनने की बात कही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत संदीप माहेश्वरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। कोर्ट का यह आदेश आते ही सभी बड़े मीडिया घरानों में यह न्यूज वायरल हो रही है कि जल्द ही मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी को जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसे में कोर्ट द्वारा जारी इस आदेश के बाद संदीप माहेश्वरी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। बीते साल 2023 की तारीख 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करके उन पर स्कैम और फ्रॉड करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी बल्कि संदीप माहेश्वरी ने 20 दिसंबर को फिर से एक और वीडियो बनाकर 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16, 18 एवं 31 दिसंबर 2023 को डॉक्टर बिंद्रा के खिलाफ स्कैम व फ्रॉड करने जैसे संगीन आरोप लगाए। इतना ही नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ उन्होंने लगातार कई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी किए थे। इस पूरे मामले को लेकर विवेक बिंद्रा के वकील आदित्य वर्धन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि हम इस पूरे मामले में कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अभियुक्त संदीप माहेश्वरी को कोर्ट में हर हाल में हाजिर होना पड़ेगा और अपना पक्ष रखकर अपने आप को इस मुसीबत से निकालना होगा नहीं तो उनके लिए इसका अंजाम आने वाले समय में काफी बुरा होगा। मेरा नाम आदित्य वर्धन शर्मा है और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वकील हूँ ये सिविल और डिफेमेशन केस में जो अभी फरीदाबाद कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। जो एक क्रिमिनल कंप्लेन फाइल हुई थी जनवरी 2024 में फरीदाबाद कोर्ट में, इस कंप्लेन में ये बोला गया था कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है मिस्टर संदीप माहेश्वरी के द्वारा जो डिफेमेशन का ऑफेंस है और जिसका जुडिशियल नोटिस लिया जाए और मिस्टर माहेश्वरी को समन किया जाए। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मिस्टर माहेश्वरी ने दो वीडियो पब्लिश की थी और 7 कम्युनिटी पोस्ट पब्लिश किए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को डिफेम करते हुए, उनके लिए मानहानि करते हुए। 5 मार्च 2024 को एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद ने ये बोला है कि ऑन अ ओवरऑल प्राइमा फेसा लेवल एक ऑफेंस कमिट हुआ है डिफेमेशन का बाय मिस्टर संदीप माहेश्वरी और उन्होंने मिस्टर संदीप माहेश्वरी को समन किया है और बुलाया है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए 2 अप्रैल को जो 2 हफ्ते बाद है। जो रीजनिंग है ऑर्डर का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है वो ये है कि जो वीडियो है उसमें कुछ ऐसा पब्लिश नहीं होता है या ऐसा प्रूव नहीं होता है कि डॉक्टर बिंद्रा वाज रिस्पॉन्सिबल टू कमिट एनी स्कैम। ऑल्सो जो पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग हैज टू बी सीन फ्रॉम एन एंगल बाय ऑफ 2 मोटिवेशनल स्पीकर जिनको पता है कि वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये भी बोला गया है कि वीडियो एक ऐसा वे में स्क्रिप्टेड था जो ये डिपिक्ट करता है जनरल व्यूअर को कि एक स्कैम कमिट हुआ है। अब डॉक्टर बिंद्रा के लिए ये प्रूव हो चुका है ऑन अ प्राइमा फेसा लेवल कि ऐसा कुछ स्कैम जो हुआ है हुआ ही नहीं है और अब मिस्टर माहेश्वरी कोर्ट में आएंगे और बताएंगे कि उनका डिफेंस क्या है। ये होगा 2 अप्रैल को। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।